यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्वेश्चन है, समझिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपका ना केवल कंसेप्ट डेवलप होगा, कहीं पर भी आप लैग कर रहे हैं तो वो आइडियाज भी आपको क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स बिलोंग टू 0 टू 2 पाई 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, कितने सॉल्यूशन होंगे? 8, 4, 2, 6, ये ऑप्शन दिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कई बार इस तरह के आप क्वेश्चंस करते हैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स, उसी तरह का ये कैसे, पहले तो दोनों अलग अलग हैं, एक बना लें, किसी को भी एक बना लें। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, आप इसको लिख सकते हैं 16 पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 अपॉन 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल टू 10। 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं y ले लूं तो कुछ ऐसा हो गया, ये y प्लस 16 अपॉन y इक्वल टू 10, या y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसके फैक्टर बनाएंगे तो y माइनस 8, y माइनस 2, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8, 2 तो है ही नहीं कुछ, 2 और 8, 16 मतलब 2 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 पावर 1, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय 4 साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2। ऐसे एक बार ये ले लीजिए, 2 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। 4 सॉल्यूशन यहां, 4 यहां पर, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए 8। क्यों? क्योंकि प्लस 1 बाय 2 पर भी आपको 2 मिलेंगे, माइनस 1 बाय 2 पर भी, ऐसी प्लस रूट 3 बाय 2 पर भी, और माइनस रूट 3 बाय 2 पर भी, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 8। नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, द लीस्ट पावर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस ई पावर कॉस इनवर्स एक्स। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उलझ भी सकते हैं, उसका सिंपल टेक्निक समझाता हूं। ये a प्लस बी है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, कई बार ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं इसके अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो e पावर साइन इनवर्स x, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेस सेम होने पे यहां पावर जुड़ जाएंगे, तो एक तरह से e पावर साइन इनवर्स x प्लस e पावर कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e पावर ये पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब आपसे लीस्ट वैल्यू पूछिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जो इक्वल टू होगा वही लीस्ट वैल्यू होगा, यानी 2 e पावर पाई बाई 4 इज द लीस्ट वैल्यू, तो दिस इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, दो बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट भी और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन कॉस पी साइन एक्स साइन पी कॉस एक्स एक्स बिलोंग टू 0 टू 2 पाई। क्वेश्चन काफी अच्छा है और सिंपल है, कॉस पी साइन एक्स इसको भी लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस पी कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, तो एक तरह से मिलेगा पी कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब अगर आप ध्यान दें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनके कोफिशियंट के स्क्वायर्स का सम का जो टेक्निक बताई उसका डिवाइड करेंगे तो 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 रूट 2, ये हो गया पी कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन भी बना सकते थे अपॉन 2 रूट 2, तो p इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 2 रूट 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस सॉरी x माइनस। अब देखिए आपको दो वर्ड बोले हैं, एक तो लीस्ट वैल्यू बोली है स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव, तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू बतानी है p की, तो cos जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो cos सबसे बड़ा क्या होता है 1 होता है, यानी पाई बाई 4 पे 1 होगा, तो उस समय p क्या मिलेगा पाई अपॉन 2 रूट 2, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी, राइट। नोट करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 विच लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब देखिए ये बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको साइन के क्वाड्रेटिक मान के कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब एक तरह से ऐसा आ गया, एक बार 1 प्लस रूट 5 बाय 2
एक आ गया 1 माइनस रूट 5 बाई 2। देखिए ये 1 से बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0। तो आप क्वेश्चन को देख के आइडियाज आपको क्लिक करेंगे, तो हम कई सारे टॉपिक्स के, अलग अलग टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और डेवलप हो और आप एक अच्छा स्कोर कर सके। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।